इंटरनेट इज फुलिस हम बात कर रहे हैं शुगर क्रेविंग्स और आज मैं बता रहा हूं आपको कि शुगर क्रेविंग को कंट्रोल कैसे करना है अगर आपकी हुई शुगर खाना है कार्ब खाना है चावल खाना है नूडल्स खाना है मैगी खाना है मेरे को खाना है मेरे को खाने खाना है बिस्किट चाहिए मेरे को क्रेविंग हो रही है सो यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम इफ़ योर वेट इज इंक्रीजिंग इफ यू नॉट स्लीपिंग प्रॉपरली अगर आपका वजन बढ़ रहा है आपकी फिजिक खराब दिख रही है आप डायबिटीज की तरफ बढ़ रहे हैं आप मोटापे के साथ हार्ट बीमारी हार्ट की बीमारी बीपी इन सारी बीमारियों के तरफ बढ़ रहे हैं सो यू नीड टू स्टॉप एंड थिंक व्हाट कैन यू डू यू कैन डू दीज थिंग्स नंबर वन सबसे इंपॉर्टेंट है आप अपने कोर्टिसोल और मेलाटोनिन को करेक्ट कर सकते हैं

फोन की लाइट बंद करो एंड ट्राई टू स्लीप एवरी डे इफ यू नॉट एबल टू देन स्लीप वाला वीडियो देखो मेलाटोनिन सप्लीमेंट लो एंड कैन डू इट इन लाइक डेज वैन ऐसा अप्रोक्सीमेट मान लो हैव टू रिकनाइज आपको समझना पड़ेगा कि आपकी बुरी आदत क्या है आप किस कारणवश आपको क्रेविंग हो रही है और यू हैव टू चेंज इट टू अ गुड हैबिट वेरी सिंपल इफ यू आर गेटिंग अग उसको चेंज करो उसी समय स्टार्ट अबिट कैसे आपको क्रेविंग हो, हो नहीं 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 आप बैठे हो नहीं नहीं मैं नहीं मै नहीं मै नहीं मै नहीं करते हो वो नहीं मैनी मैनी नहीं करना मैं नहीं मैं नहीं की जगह hmm. स्टार्ट डूइंग समथिंग फिजिकली दस जंपिंग जैक्स कर लो दस उठक बैठक कर लो एक बड़ा गिलास पानी का पी लो डू सम लाइक दिस

न यूज अ प्रोटीन स्नैक पनीर खा लो सो, सोयाबीन खा लो टोफू खा लो चिकन मटन फिश मैटर योर काब्स इनटेक इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल स्वीटनर आर्टिफिशियल स्वीटनर भी जितना कम उतना अच्छा राइट right? बहुत सारा नहीं खाना ठीक है uh, फिर उसके बाद आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आई कैन नॉट स्ट्रेस ऑन इट की कोशिश करो रात को ही एक साथ प्रॉपर सफिशियंट क्वालिटी स्लीप ले लो यानी कि सुबह थोड़ी रात को थोड़ी ये खोड़ी ये घोड़ी ये घोड़ी छोड़ी ऐसा नहीं करना ठीक है फिर उसके बाद देर आज समथिंग कॉल्ड सिरोटोनिन यू नीड दैट यू नीड सिरोटोनिन इज द फील गुड हॉर्मोन मजा आ गया सिरोटोनिन बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स आपको डोपामीन भी देता है सिरोटोनिन भी देते हैं फील गुड करवाते हैं तो आपको लगता है मैं और बोलूं गिव्स यू अ रिवॉर्ड टाइप ऑफ फीलिंग सेम थिंग कैन बी गिवन बाय समथिंग एल्स जैसे चीज जैसे ग्रीन टी जैसे वॉलनट्स, एग्स कुछ और ऐसी चीज जो आपको सेम काइंड ऑफ एक् नो अचीवमेंट की फीलिंग दे एक हैप्पीनेस दे, देती है ये जिसको पसंद है जिसको जो पसंद है काजू खा लो आप पिस्टाशियो खा लो आप क्रेनबेरी खा लो ब्लूबेरी खा लो ऐसी चीज खा लो फ्रूट्स खा लो आप ऐसी चीज जो आपको सेटिस्फैक्शन दे एक्सरसाइज कर लो एक्सरसाइज बढ़ा लो ऑल दीज थिंग्स कैन एक्चुअली गिव यू सिरोटोनिन गिव यू डो कैन बूस्ट योर लेवल्स इट वर्क फॉर यू ये आपके कार्बोहाइड्रेट केविंग्स कम कर देंगे अगर खाते ही हो तो ऐसे फूड खाओ ऐसे सप्लीमेंट्स खाओ जो कि जिसमें आपको इंस्टेड ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स यू गेट सम अमाउंट ऑफ अदर मिनरल्स एंड बेनिफिट्स आल्सो अगर शक्कर खानी है तो जैसे उन्हें कहा कि टेक समथिंग बेटर देन शुगर जैसे कोई चीज जैसे मखाना हो गया मखाना इज आल्सो कार्ब्स बट देन उसमें इतनी क्वांटिटी भी आपको जो है सेटिस्फाई कर देगी सो दैट इज अ वेरी गुड ऑप्शन शक्कर की जगह गुड है दैट इज ऑल्सो गुड ऑप्शन राइट उसमें आयरन कैल्शियम मैग्नीशियम भी है बट देन क्वांटिटी शुड बी ऑल्सो लिमिटेड एंड ऐसी चीजें करो फिर दे कैन ऑल्सो देर इज ऑल्सो वन थिंग विच इज कॉल्ड क्रोमियम सप्लीमेंट जी हाँ क्रोमियम सप्लीमेंट है ये मिनरल है ये आपकी नॉर्मल मॉडर्न डाइट जो आजकल की आ गई है वेस्टर्न डाइट में लैक करता है बिकॉज जो रिफाइंड फ्लोर हम खा रहे हैं रिफाइंड आटा खाते हैं जो रिफाइंड शुगर खाते हैं उसमें से क्रोमियम भी निकल जाता है और बहुत सारे न्यूट्रिएंट और भी निकल जाते हैं क्रोमियम भी निकल जाता है और एक क्रोमियम सप्लीमेंट अगर आपके पास होता है तो आपकी क्राकार क्रेविंग कम होती है तो क्रोमियम सप्लीमेंट इज ऑल्सो वन थिंग विच यू कैन डू फिर वॉट एल्स कैन यू डू थोड़ा बहुत ले लो ज़्यादा भी अगर हो ही रही है तो थोड़ा सा ले लो अगर फिर भी और, और बेटर ऑप्शन क्या है कंबाइंड फूड थोड़ा सा ये, थोड़ा ज़्यादा वो जो हेल्दी है फ्रूट्स के साथ कंबाइन कर दो वेजिटेबल्स के साथ कर कंबाइंड कर दो समथिंग लाइक दैट राइट कुछ बहुत अच्छा यू नो रिमेंबर चूज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी यानी ज़्यादा खा लो नहीं क्वालिटी फूड खाओ और उसको धीरे धीरे खाओ धीरे धीरे खाओ धीरे धीरे ताकि वो आपको टेस्ट दे और सेटिस्फैक्शन दे रेदर देन एनीथिंग एल्स ठीक है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसे धीरे खाइए फिर आप उसके अलावा इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा थोड़ा बीच बीच में खाएं हर तीन चार घंटे में अगर आप थोड़ा बहुत खाते हो तो इट एक्चुअली हेल्प्स यू अवॉइड दैट हंगर क्रैम्प्स यू कीप्स यू फुल वो एक ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है मिक्स करिए उसको कभी ये कभी वो कभी फ्रूट्स खा लिए कभी सैलेड खा लिए कभी जूस ले लिया फ्रेश फ्रूट जूस फ्रेश वेजिटेबल जूस वट एवर ये सूप ले लिया गर्मी है तो काढ़ा ले लिया ऑल दीज थिंग्स कैन कीप यू हेल्थी ऑल्सो कैन यू नो कीप यू हेल्दी फिट ऑल्सो तो ये सारी चीज़ें आप करें तो आपके जो शुगर एडिक्शंस हैं वो कम हो जाएंगी इट्स अ वेरी वेरी ईजी वे All you need is increase your uh, proteins and good sleep and other things. So please इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा share करिए लोगों तक पहुँचाइए और आप कोशिश करिए अपनी sugar and carbohydrate cravings पे control करिए बाहर निकल के जब खाना खाते हैं उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मीठा avoid करें try on sugar free options and try on ऐसी चीज़ें जो फ्रूट बेस्ड हो फ्रूट बेस्ड चीज़ें इज मोर हेल्दियर केक खा रहे हैं फ्रूट वाला खाइए कोशिश करिए दूसरी कम क्वांटिटी में खाइए कोशिश करिए ऊपर की क्रीम श्रीम ना खाएं। कोशिश करिए या कम ही तो ज़्यादा बेहतर है सो देर आर सो मेनी ऑप्शंस लाइक दिस विच यू कैन एक्सप्लोर थिंक अबाउट इट एवरी डे एवरी डे प्लीज़ डू दैट ओके थैंक यू सो मच गाइज एंड स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्दी